हेलो एवरीवन, टुडेज आई टीच यू मैथ्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास सेकेंड लेसन नंबर 8। वेट है, वेट मतलब होता है वजन। हम किसी भी चीज़ को हैवी है ना, हैवी लाइट मतलब हल्का भारी ऐसे वजन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसका नाप तो किससे करते हैं, तौल कर है ना, उसको माप कर। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ सिंपल बेस क्लियर करना है, क्लास सेकेंड है। वॉट इज द ड्रॉन इन द पिक्चर, देखो पिक्चर में क्या छपा हुआ है, तराजू। इस प्रकार का तराजू जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं या दुकान जाते हैं सामान खरीदने वहाँ, या सोने चांदी की दुकान में दिखता है ये वाला जो तराजू है। इज देयर एनी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स पेन, क्या इस पेन में कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, है ना। और बोथ द पेन्स इक्वल है ना, यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है तो दोनों जो बोथ है पेन है वो इक्वल है, बराबर है। वॉट इज प्लेस्ड ऑन वन पेन, एक पेन में क्या रख दिया गया है, एप्पल। विच पेन वेट मोर, कौन सा जो पेन है वो वेट मोर मतलब अधिक वजन है, ये वाला राइट साइड वाला अधिक वजन है क्योंकि इसमें क्या रख दिया गया है, एप्पल रख दिया गया है। देखिए इस प्रकार का मेजरमेंट वाला रहते हैं, देखिए पहले इस तरह का मेजरमेंट वाला नहीं आता था, अब क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक वाले जो आपका आता है ना मेजरमेंट करने का, उसमें मेजर किया जाता है पहले, अब इस तरह का मेजरमेंट करने का नहीं आता है। देखो ये जो दो पलड़ा है इसमें क्या किया जाता है, वजन किया जाता है, एक में मेजरमेंट करने के लिए बट रखा जाता है और एक में आपका सामान रखा जाता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एक नीडिल रहता है वो सेंटर में आता है। देखो आपको ये जो नीडिल दिख रहा है वो कहाँ, सेंटर में आता है। सेंटर में आने से मेजरमेंट इक्वल होता है, फिर आपको समझ आता है कि ये जो है, जैसे 1 kg का मेजर कर रहे हैं तो 1 kg का मेजर हो गया करके हमको समझ में आता है ना। ये जो इस प्रकार से इसको तराजू बोलते हैं हम लोग, या तो फिर वेट मशीन। अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज किया जाता है। देखो इस प्रकार से तराजू है, तराजू में हमें क्या करना है, मेजर करना है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या बोला जा रहा है आपके जो क्वेश्चन है उसमें। एम्प्टी पैन, एम्प्टी पैन मतलब खाली, और द पैन विथ एप्पल। देखो इस पैन में क्या हो गया, एप्पल हो गया। विच पैन इज लोअर, कौन सा पैन लोअर है, नीचे वाला। देखिए ये वाला जो पैन है वो नीचे आ गया है। द पैन विथ एप्पल और एम्प्टी पैन। नेक्स्ट तराजू देखिए, आर बोथ द पेन्स इक्वल नाउ, देखिए दोनों पेन जो है इक्वल हो गया है। अब देखिए ए पेन में क्या हो गया है, जो लेफ्ट साइड आपका पेन है वहां कितना हो गया है, 2 apple हो गया है, और जो राइट साइड आपका पैन था वहाँ कितना हो गया, 3 apple। तो जिसमें ज़्यादा एप्पल है उसका वेट ज़्यादा हुआ है ना, अधिक हुआ, तो वो क्या हो गया है, नीचे हो गया है। आर बोथ द पैन्स इक्वल नाउ, विच पैन इज हैवियर, दोनों पैन क्या इक्वल है, नहीं है, कौन सा पैन ज़्यादा हैवी है, जिसमें 3 apple है ना, 3 apple वाला पैन हैवी क्योंकि उसमें ज़्यादा वजन रखा गया है। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे मैंगो है और एक में क्या है आपको, वाटरमेलन है, समझो। आर बोथ द पैन इक्वल, क्या दोनों पैन इक्वल है, नहीं है, नो आएगा। भाई क्यों इक्वल नहीं, क्योंकि वाटरमेलन इज हैवी, वाटरमेलन हैवी हो गया है, राइट साइड वाला में हैवी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज हैवी, हैवी मींस होता है वजन, कौन सा वजन है पूछा जा रहा है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट गिवन इन द टेबल, कंपेयर देयर वेट यूजिंग अ बैलेंस, क्या करना है आपको, उसका वेट कंपेयर करना है यूजिंग अ बैलेंस। जैसे यहाँ पे बुक दिया गया है
दो बुक, तीन बुक और डस्टर है, या तो फिर कोई और सामान रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट दिया गया है लाइट और हैवी, आपको बताना, जैसे दो बीज और एक पेन है। तो हम यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास जो बीज उपलब्ध हैं हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये बीज हैं और एक पेन लेते हैं, तो दोनों में हैवी कौन सा आएगा, एक पेन हैवी आएगा। ये दो बीज भी हैं और एक पेन, तो देखिए दोनों में हैवी कौन सा आएगा, ये पेन हैवी आएगा और जो सीड है वो लाइट आएगा। एक पेंसिल लेना है और एक डस्टर, तो हमारे पास तो डस्टर नहीं है, तो डस्टर के जगह इसको समझ लेते हैं। ये डस्टर जितना हैवी है तो इसमें वन पेन पेंसिल है, क्या हो जाएगा, लाइट, और एक जो डस्टर है वो हैवी होगा। टू चॉक एंड एक पेंसिल लेना है, हमारे पास चॉक नहीं है, तो चॉक का जो वजन है ये दो पेन के बराबर होगा, दो चौक है ना, क्योंकि वो मिट्टी से बना रहता है तो हैवी रहता है। तो यहाँ पे लाइट आएगा, वह एक पेंसिल, दो चौक आएगा, वन बुक एंड वन कॉपी। तो देखिए यहाँ पे जो कॉपी है वो हल्का आएगा, ये कॉपी और एक बुक ले लेते हैं, वो बुक क्या आएगा, आपका ही बुक ले लीजिए, वो क्या आएगा, हैवी आएगा। नेक्स्ट है, वी कैन मेजर एंड वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग सर्टेन थिंग्स लाइक क्यूब, मार्बल, नेल एंड शीट्स। आपको मेजर करना है, कोई भी वस्तु लेना है, और हमारे पास मेजर करने के लिए एक निश्चित वस्तु नहीं है ना, जैसे बट नहीं है, बट के द्वारा, किलोग्राम वाला बट के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, तो आप उसकी जगह मार्बल ले सकते हैं, कोई भी घान, कोई भी जो खिला है, खिला खील बोलते हैं ना। मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इन द टेबल में जो दिया है, तो मार्बल तो नहीं है हमारे पास, तो मार्बल की जगह हम कील भी ले सकते हैं, या तो फिर ये लहसुन ले सकते हैं, लहसुन है ना। डस्टर, तो एक जो डस्टर है वो कितने, देखो ये फोर मार्बल, मार्बल इससे हैवी रहता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है। तो ये डस्टर समझो तो फोर मार्बल के अकॉर्डिंग ये डस्टर होगा, और जो सीड है वो बहुत ही लाइट रहता है, तो इसको बहुत सारा करेंगे, तो सपोज मान लेते हैं हम 40 सीड किए, एक मार्बल के इक्वल 10 सीड्स हुआ, समझ लेते हैं ना, इस प्रकार का एक मार्बल लेते हैं तो 10 सीड्स, तो यहाँ पे 4 मार्बल लिए हैं तो उसकी अकॉर्डिंग 40 सीड हो जाएगा। अब पेंसिल 1 मार्बल के अकॉर्डिंग होगा, पेंसिल उससे हल्का भी होगा, 10 सीड लिए, टू चौक वन मार्बल के अकॉर्डिंग और 10 सीड्स के, पेन है 1 मार्बल, 10 सीड्स, रबर जो इरेजर हम लोग यूज़ करते हैं वो 2 मार्बल के वजन के बराबर होगा, 20 सीड आएगा यहाँ पे। मेजर द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स मतलब कंचे होता है, उसकी हेल्प से आपको यहाँ और मेजर करना है। तो चौक है ऑब्जेक्ट के रूप में, नंबर ऑफ मार्बल्स यूज टू मेजर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौक के लिए क्या यूज कर सकते, 2 मार्बल, तो यहाँ पे 2 मार्बल लेना है ना, एक चौक के, एक पेंसिल के लिए 1 मार्बल्स के अपेक्षा, और मैच बॉक्स 1 मार्बल, डस्टर 4 मार्बल्स। एस्टिमेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इन द टेबल एंड देन वेट देम, देखो आपको पहले एस्टिमेट वजन, और जैसे इसका वजन के उसके बाद और क्या, वेट आफ्टर मेजरमेंट करने के बाद ये अनुमानित है ना। डस्टर आपका 4 मार्बल्स होगा, और जब हम उसको बाद में वजन किया तो 3 मार्बल्स हुआ, और चौक है 2 मार्बल्स ही आया, और पेंसिल 1 नेल कील के बराबर है ना, जो खीला बोलते हैं, और ये 1 कील ही है। रबर आपका 2 नेल्स मतलब 2 कील के बराबर वजन है, यहाँ भी 2 स्केल 1 मार्बल के बराबर है, 1 मार्बल्स के बराबर है। फाइंड आउट, अब देखते हैं पहले आप लोग क्या इस प्रकार का वजन करने का जो मशीन है उसको देखें। हाउ डज नर्स टेक योर वेट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हमें इस प्रकार से नर्स वेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला ही है, बैटरी से चलता है ना, सेल से। हैव यू सीन एनी अदर मेथड ऑफ वेटिंग, क्या आपने इस प्रकार से और अलग मेथड देखे हैं वेटिंग करने का। हाँ, आंगनबाड़ी में क्या होता है, एक यहाँ पे मशीन लगा रहता है और उसको कपड़े से बांध कर बच्चे को लटका दिया जाता है, तो मशीन का वहाँ पे क्या होता है, मेजर, बच्चे का वजन मेजर उस मशीन में आ जाता है, कपड़े से लटकाया जाता है। तो फिर एक जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही रहता है
जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है। दो प्रकार के और आंगनबाड़ी में दिखता है, आप देख सकते हैं। अपने एल्डर से बोलिए या अपने टीचर से, है ना। विच मेथड हैव यू सीन, कौन से मेथड आप देखे हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। दुकानदार इसमें करते हैं, इससे छोटा और आता है उसको जो सोनार दुकान में इलेक्ट्रॉनिक वाला रहता है वो भी करते हैं, और इसमें भी करते हैं। आप बहुत से प्रकार के देख सकते हैं। ये आपका मेजरमेंट कंप्लीट हुआ, हैवी वेट वाला है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो कैपेसिटी है। नेक्स्ट ओके लेसन नंबर 9 तक ले, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।